हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक इजी और आसान रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी ब्रेकफास्ट का। और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है वो है रावा, मतलब सूजी, वो एक कप ले लिया। और अभी मैं जो डालूंगी सूजी में वो है योगर्ट्स, वो भी सेम क्वांटिटी में एक कप ही मैंने ले लिया था। और अभी इस दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। और अभी मिक्स्ड होने के बाद 10 मिनट्स के लिए इसको रेस्टिंग पावर में छोड़ना पड़ेगा। और इस रेसिपी का नेक्स्ट जो स्टेप है वो है, मेरे पास बचा हुआ कल का डोसा का थोड़ा सब्जी था आलू का, तो इसमें मैंने थोड़ा धनिया पत्ता और थोड़ा ऑनियन और टमाटर को चॉप करके डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये जो रेसिपी है इसमें आप लोग कोई भी सब्ज़ी बचा हुआ कल का आपका बच गया है वो कोई भी भेज सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। और अभी मैं इस सब्ज़ियों का जो मिक्सर है इसको एक शेप में बना लिया। और अभी इस तीनों ग्लासों में, एक बड़ा ग्लास है और दो छोटा है, इसमें मैं थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लूँगी और इसमें मैं ये रेसिपी बना के दिखाऊँगी। तो अभी इस तीनों में अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया, क्योंकि जब मैं इसको उठाऊँगी तो अच्छे से स्मूथली उठ जाए। अभी मेरा सूजी का बटर में एक चम्मच सॉल्ट और एक चम्मच बेकिंग सोडा डाल दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी 1 मिनट के लिए। और मिक्स्ड होने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके 5 to 7 टीस्पून थोड़ा पानी ऐड करूंगी, नहीं तो वो जो बैटर है वो सूजी पूरा पानी को सोख कर लिया, दही का जो पानी था उसको सोख कर लिया, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज़ करना है, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो बैटर है वो डबल हो गया है, फुल गया है। तो अभी मैं इसको डाल दूंगी ग्लास में। तो मैंने पहले छोटा जो ग्लास है उसमें 2 टीस्पून डाल दिया बैटर, और अभी जो मैंने आलू का शेप बनाया था उसको अंदर डाल के ऊपर 2 टीस्पून बैटर फिर से डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी इस सेम प्रोसेस में मैं तीनों ग्लास में भर लूँगी और इसको बिठा दूँगी पानी के ऊपर स्टीम होने के लिए 5 मिनट्स। तो मेरा तीनों ग्लासेस एकदम रेडी हो गया है और अभी मैं स्टीम में डाल दूंगी। मैं थोड़ा पानी को गर्म करने छोड़ दिया था 2-3 मिनट के लिए पहले ही। अभी मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ ये ग्लासेस और इसके ऊपर ढक्कन डाल दूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है बहुत ही इजी है, मैंने पहले ही बताया था, और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही यम्मी है। प्लीज़ इस रेसिपी को घर में ट्राई करना। और अभी तक जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, जल्दी सब्सक्राइब कर लो नए नए रेसिपी के लिए। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ये बहुत ही हेल्दी है, आप लोग वैसे भी खा सकते हो जैसे मैंने अभी दिखाया। और नहीं तो आप लोगों को ज़्यादा यम्मी बनाना है तो आप लोग ये ट्विस्ट भी कर सकते हो। तो मैंने पैन में थोड़ा 2 चम्मच ऑयल ले लिया और उसके ऊपर 1/2 टीस्पून टर्मरिक और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा कोरिएंडर लीफ डाल लीफ डालने के बाद इसके ऊपर वो जो स्टीम किया हुआ था उसको डाल दिया और इसको थोड़ा शैलो फ्राई कर लिया। और शैलो फ्राई करने के बाद इसको राउंड फिगर में पीसेस करके सर्व कर लिया। आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ कॉमेंट में बताना।